रामपाल एसडीओ की पीडब्ल्यूडी डीएनआर रामपाल एसडीओ सिद्धू साहब किसी भी जगह जो पक देते हैं साढ़े शमशान घाट जिन्हें ग्रांटा आदि वापस हो जाए साढ़ा कोई शमशान घाट है नहीं अगर है दूर पैदा पिंड किसी ने दूर किसी दूर आप पता नहीं कितने है हल शमशान घाट चाहिए सामने वाइया देखे जैदी जमीन तोड़ गया उ पत्थर बनाना है देखो जमीन काफ़ी है उत्तर सरका मालता है कोई पंचायत भी है आम आदमी पार्टी के हथ को तो मैं पहला मैडम को दस देना चाहता कि
नारा पिंड तो काफ़ी परिवार है जो साढ़े न जुड़े हुए हैं प्लास्टिक मुक्त हुशियारपुर में, और अज भी मैं कॉल इसे करके आई थी कि उन्होंने काफ़ी प्लास्टिक है जो कूड़े तो अलग करके रखा हुआ है कि तुम ले जाओ, तो वही कलैक्शन वास्ते असं आए थे, सानू पता लगा सी मैडम भी आए थे, तो मैडम जी और साढ़े मंत्री साहब दिंपा जी वालों ऐतवार को ही साड़ी प्लास्टिक मुक्त हुशियारपुर जो मुहिम हैगी उसमें झंडी देकर शुरुआत किया गया है। तो इस करता कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है जो हर एक इंसान अपने घर के कर सकता है। जी ये मानयोग पंजाब सरकार अते मुख्यमंत्री साहब के आदेशों अनुसार जिस दे विच सारे पिंडा दे विच जाके डीसी साहब डीसी ते एसटीएम सारी रेवेन्यू वाली टीम डीसी दी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स पिंडा विच जाके लोकां दी शिकायतां सुनदे हैं, उस दे तहत नारा पिंड दे विच एक कैंप लगाया गया है। इत्थे लगभग 8 पंचायतां मौजूद ने, 8 पंचायतां दे लोक आए ने। मैनू बड़ी खुशी है कि बहुत भारी मात्रा दे विच इत्थे लोक आए ने ते जिन्हां ने अपनी शिकायतां ते अपने सुझाव दसे हैं। काफ़ी सारी शिकायतों के हल मौके पर ही किए गए हैं, कुछ शिकायतें ने जिन्हें टाइम लगेगा हल करन दे लई उसके उत्ते टाइम लगा के, पर उन्होंने अंतिम सिरे तक चढ़ाया जाएगा, उन्होंने हल किया जाएगा। मैं इत्थे आई समूह पंचायतों का लोगों का सारा का धन्यवाद करते हैं, तो नाल ही नाल समूह डिपार्टमेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं कि बड़ी पेशेंस नाल सारे ने ये गल्लां सुनी है। असी अगे भी पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार इस तरह के कैंप जारी रखेंगे तो इन्हों का फॉलोअप भी पूरा किया जाएगा।